विटामिन ई में बस ये दो चीजें रात को सोने से पहले लगा लो, चेहरा हमेशा के लिए मक्खन जैसा मुलायम, चमकदार और गोरा दिखेगा। हेलो गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। अगर आप अपनी स्किन केयर में विटामिन ई को यूज करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन हेल्दी, स्पॉटलेस, ब्राइट एंड यंग रहती है। लेकिन विटामिन ई को कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली है, गाइस ये विटामिन ई को यूज करने का भी एक सही तरीका होता है। और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सही तरह से यूज करते हैं तो आपकी स्किन मक्खन की तरह मुलायम, सॉफ्ट, यंग। और गाइस ये विटामिन ई आपकी स्किन से डैमेज को दूर करता है, ब्रेकआउट को दूर करता है, किसी भी तरह के पिगमेंटेशन, स्कार्स, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जिसकी वजह से स्किन का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डल हो गया है, तो विटामिन ई कैसे उसको वापस लेकर आएगा और आपकी स्किन को बनाएगा बेहद सॉफ्ट, ग्लोइंग और हेल्दी। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलें, जिससे कि आप आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे। विंटर टाइम पर जहां किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा चैप्ड होती है, वहीं विंटर टाइम में आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विंटर टाइम आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप अपनी स्किन के प्रति थोड़े से भी ऑनेस्ट हैं। तो आज हम विटामिन ई पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जब आप विटामिन ई को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है और आपकी स्किन में एक नई सी चमक, यंग लुक आपका अलग ही आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर आप विटामिन ई को इंक्लूड नहीं करते डाइट में तो उसके लिए आप यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल खा सकते हैं। देखिए, हर कोई अपनी डाइट के प्रति इतना ऑनेस्ट नहीं होता, तभी आजकल हम अपने स्किन को ग्लोइंग नहीं बना पाते। अगर हमारी डाइट पूरी तरह से सही होगी तब हमारी स्किन भी बहुत अच्छे से हेल्दी होगी। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ई नहीं ले पा रहे हैं तो आप विटामिन ई को इंक्लूड कर सकते हैं एज अ कैप्सूल फॉर्म में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है तो दो दिन में आपको एक कैप्सूल इस विटामिन ई का खाना है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वीक में 3 से 4 बार आप ये विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन ई को लगाने के तरीके के बारे में, कैसे विटामिन ई को यूज करके आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए हेल्दी, ग्लोइंग और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कई तरीके बताऊंगी, लेकिन जो कि सबसे बेस्ट होगा एंड ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुइटेबल होगा वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको बस विटामिन ई की कैप्सूल्स की जरूरत होगी। और यहाँ पर इस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बॉल में एक विटामिन ई ऑयल निकाल लीजिए। उसके बाद आपको इसमें मिलाना है एलोवेरा जेल। ये है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। आपको जो भी अपनी स्किन के लिए सुइटेबल लगे वो एलोवेरा जेल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कीजिए इसके अंदर, ये 1 चम्मच एलोवेरा यूज किया है। उसके बाद गाइस, अगर आपको आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है देन आप इसमें ऐड करें ये आलमंड ऑयल, बादाम रोगन शिरीन आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली ऑल्सो गुड योर स्किन टेक्सचर एंड ऑल्सो ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डेड सेल्स को बाहर निकाल कर आपकी स्किन में एक नई यौथनेस देता है और स्किन को पूरी तरह से सॉफ्ट एंड सपल बनाने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप ही ऐड करूंगी। गाइस, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये सॉल्यूशन आप चाहें तो किसी कंटेनर के अंदर बना सकते हैं और इसको आप कंटेनर को स्टोर करके रख सकते हैं। डेली बेड टाइम जब आप सोने जाते हैं रात में, तो पहले तो आप अच्छी तरह से चेहरे को वॉश कर लें, उसके बाद इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा लेकर आप अपने अराउंडली आईलिड पर, अच्छे से आँखों के आसपास, पूरी स्किन पर आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसको इतना मसाज करें जिससे कि ये बहुत अच्छे से आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फेस को वॉश करेंगे ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ, थोड़ा सा हल्का सा ल्यूकवॉर्म होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पूरी तरह से स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी नज़र आएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फर्स्ट टाइम के यूज़ के बाद ही आपको बेहतर रिजल्ट इसका दिखाई देगा। एंड अगर आपको
थोड़ा बहुत डैमेज है तो ये आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा, बट आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे। आपको यूज़ इसका रेगुलरली करना है। अगर आप इसको बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से विटामिन ई को यूज़ करके देखें, आपकी स्किन हमेशा के लिए सॉफ्ट, यंग और चमकदार होगी। सो डू ट्राई दिस रेमेडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी फॉर लेटेस्ट एंड यूजफुल अपडेट। थैंक यू।